भारत माता की जिन वीरों ने कारगिल युद्ध को जीतने के लिए अपनी आहुति दी थी देश के लिए, आज उन वीरों को याद करते हुए उन बिहार इंश्योर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पे भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक। आपको बता दें कि पूर्व शहीदों को याद किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया और उनके लिए तिरंगा यात्रा निकाला गया। साथ में भाजपा के नेता जीवेश मिश्रा भी थे। क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा नेता जीवेश मिश्रा, आप सुनिए। आज कारगिल विजय को सभी हमारे देशवासी याद कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ जो पूर्व सैनिक हैं, वो आज उनके सम्मान में जो अमर जो शहीद हुए थे, जिन वीरों ने कारगिल युद्ध को जीतने के लिए अपनी आहुति दी थी देश के लिए, आज उन वीरों को याद करते हुए, उन वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनके प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए, उनके लिए एक यात्रा तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में निकाला गया है। और साथ ही साथ कारगिल विजय को भी हम लोग आज याद कर रहे हैं। जितने भारतीय जनता पार्टी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे कार्यकर्ता बंधुगण हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और अभी यहाँ कारगिल चौक पर यात्रा समाप्त होने वाली है। कारगिल चौक पर पुष्पांजलि करके हम अपने वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। और 12 बजे और 12 कोविड पॉजिटिव होगा, खबर अभी पक्की नहीं है मेरे पास, चूंकि मैं प्रेस विज्ञप्ति भी आ गई है, तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे कहीं से पता चला है कि पॉजिटिव हुए हैं। तो ठीक है, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्दी स्वस्थ हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत के किशनगंज जिला में सुंदर माता की जय, बिहार के शहीद अमर रहे, बिहार के किशनगंज जिला में हर शुक्रवार को बिना कोई सरकारी आदेश के बच्चों को छुट्टी स्कूल चले गया। उसकी सूचना अखबार के माध्यम से मिली है, शिक्षा विभाग इसका संज्ञान लेगा। चलो, आप सभी साथियों से अनुरोध है। तो आपने साफ तौर पर जीवेश मिश्रा को सुना, उनका साफ तौर पर कहना था कि तिरंगा यात्रा जो है जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक निकाला गया, जिसमें शहीदों को याद किया गया। शहीदों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वो जिन्होंने देश के लिए जान दी है, कुर्बान की है, उनको आज याद करने का वक्त आ चुका है। आपको बता दें कि काफ़ी भारी मात्रा में लोग पहुँचे थे, तिरंगा यात्रा निकाला, आप देख सकते हैं साफ तौर पर इन तस्वीरों में। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जिन वीरों ने कारगिल युद्ध को जीतने के लिए अपनी आहुति दी थी देश के लिए, आज उन वीरों को याद करते हुए उन